हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज गगन, इंस्ट्रक्टर वाया न्यूटन स्कूल। तो अपन आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या करने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक रैंडम कोड जनरेटर बनाने वाले हैं। इसकी हेल्प से आपको दो तीन चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो आप सबसे पहले आप सीख जाओगे किस तरीके से अपन बेसिक से डोम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, और आपको किस तरीके से चीजें डोम मैनिपुलेशन, और आप किस तरीके से जो भी हमारे जावास्क्रिप्ट फाइल्स होने वाले, किस तरीके से फंक्शंस को अपन इजीली हैंडल कर सकते हैं। ये चीजें आपको सीखने को मिलने वाली है इस पर्टिकुलर वीडियो से, बेसिक से अपन एक रैंडम कोड जनरेटर बना के। तो बिना देर के करते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मान लीजिए आप एक नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से हैं और आप टेक इंडस्ट्री के अंदर करियर बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ रिसोर्सेज फॉलो करोगे तभी तो आप बन पाओगे ना इंजीनियर। तो आपके पास ऑनलाइन रिसोर्सेज आपके पास बहुत सारे होंगे, लेकिन उनमें प्रॉब्लम क्या होने वाला है बेसिकली कि आपको पूरी से ऑर्गेनाइज वे में नहीं मिलने वाली है। तो न्यूटन स्कूल ने इस प्रॉब्लम को सोल्व किया है। तो उसमें क्या होगा कि आपको जो भी मांग या फांग कंपनी में इंजीनियर्स होने वाले ना, वो आपको वन टू वन मेंटरशिप प्रोवाइड करवाएंगे। तो चाहे आप एक स्लो लर्नर हो या बिल्कुल बिगिनर हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है इसमें। ओके, और इसके बारे में जो भी डिटेल्स है वो हम आपको नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा लिंक, वहां से आप इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो अब चलते हैं हमारे आज के वीडियो टॉपिक, जिसमें अपन क्या करने वाले हैं, बेसिक सा रैंडम कोड जनरेटर बनाने वाले हैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो उसके लिए मैं यहाँ पे वीएस कोड एडिटर में आता हूँ, और यहाँ पे क्या करते हैं, एक सिंपल एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल बनाते हैं। ठीक है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल बनाते हैं और इसके अंदर इसका बॉयलरप्लेट कोड ऐड करते हैं। ओके, यहाँ पे मैं इसको कोड ऐड किया, और इसी के साथ एक ऐप डॉट जेएस फाइल भी बनाने वाले हैं। ठीक है, इसमें जावास्क्रिप्ट का कोड करेंगे ना, तो अब यहाँ पे इसको ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपल स्क्रिप्ट, यहाँ पे इसको ऐड करते हैं। ओके, इतना मेरा काम हो गया है। यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप का भी यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि मैं स्टाइलिंग के लिए कुछ चीज़ें यूज़ करने वाला हूँ। तो सिंपल मैं गेट बूटस्ट्रैप की ऑफिशियली वेबसाइट पे आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद इसका सी डी एन का लिंक ऐड करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं इस सी डी एन को करते हैं कॉपी, वापस चलते हैं हमारे वी एस कोड में, और यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट। अब करते हैं डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट, चलो सेव करके ही काम चला लेते हैं। ओके, इसके साथ साथ मैं वापस आऊँगा यहाँ पे, पहले इसको हम क्लोज करते हैं यार। ओके, अब मैं सिंपल यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे आने वाला हूँ, और कुछ कार्ड मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे सिंपल कार्ड इस तरीके से लेते हैं, और इस वाले कार्ड को करते हैं कॉपी। एक रैंडम कोड जनरेटर बना रहे हैं, तो उसके लिए पूरा एक स्टाइलिक तैयार कर रहे हैं पहले। ओके, तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एक कॉन्टेनर बनाते हैं। सबसे पहले तो कॉन्टेनर बनाते हैं। ठीक है, तो कॉन्टेनर अगर आपको ये नहीं पता है, तो ये बूटस्ट्रैप की ही क्लासेस होने वाले हैं बेसिकली। ओके, और इसके अंदर यहाँ पे एक एम वाई फाइव का यहाँ पे इस तरीके से मार्जिन प्रोवाइड कराते हैं, और इसके अंदर रो। ठीक है, रो, और इसके अंदर हमें सिंपल रखने वाले कॉलम। ठीक है, कॉलम, और अब इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब करते हैं डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट। ओके, तो ये मेरी चीज़ें हो चुकी हैं। तो सबसे पहले अपन इमेज को रिमूव करते हैं, क्योंकि हमें इमेज नहीं चाहिए। अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करता हूँ, और अब यहाँ पे क्या करते हैं, बटन भी बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बटन बनाते हैं इसकी जगह, जो हमारा एसरेप जो होने वाला है ना, उसकी जगह में बटन बनाते हैं। ओके, यहाँ पे न्यू कोड करते हैं, न्यू कोड, यस। ओके, पेज को किए सेव, और वापस चलते हैं हमारे यहाँ पे, तो मैं ओके, तो हमें ओपन विद लाइव सर्वर भी करना होगा ना, तभी तो जा पाएंगे ना। तो यहाँ पे करता हूँ इसको ओपन विद लाइव सर्वर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक कार्ड आ चुका है। अब मेरे को क्या करना है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ ना, तो मेरे पास एक हर टाइम एक रैंडम कोड आता रहे। वो किस तरीके से आएगा, तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, कुछ API भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम API यूज नहीं करेंगे। कुछ अपन प्री डिफाइंड हमारे पास 10 से 15 रैंडम कोड होने वाले हैं, उनमें से ही हमारे पास रैंडम जनरेट होकर आने वाले हैं। तो उसके लिए मैं कुछ API होने वाली है। अगर आपको ओके, यहाँ पे इस तरीके से रखते हैं इसको। इसके बारे में अगर आपको आप API वाली चीज़ें भी जानना है, तो API वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि अपन किस तरीके से API को फेस कर सकते हैं, तो वो आने वाले वीडियो में मैं इसको कवर कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में बेसिक से ही चीज़ें रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ क्या करता हूँ, कुछ 5-6 यहाँ से टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और इसको सेव करने वाले हैं। ठीक है, तो वो उसके लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपन क्या ऐड करने वाले हैं, सबसे पहले बटन पे ऐड करेंगे, ID ऐड सेट करते हैं। ठीक है, तो ID यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ, तो यहाँ पे सिंपल BTN, और इसी के साथ जो मेरा टेक्स्ट एरिया जो होने वाला है, यहाँ पर मैं इसमें सेट करूँगा, यहाँ पे क्या सेट करूँगा, आउटपुट। ठीक है, आउटपुट यहाँ पे करके बना सकते हैं, और एक यहाँ पे कार्ड टाइटल भी बनाइए, तो कार्ड टाइटल में कार्ड ऑथर का नेम रखने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल एक ID यहाँ पे दे देता हूँ, ID के अंदर यहाँ पे ऐड कर देते हैं, सिंपल क्या ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, लाइक टाइटल। ठीक है, टाइटल इसको सेव करते हैं, और अपन चलते हैं हमारे यहाँ पे। ओके, एक हमें एक एरे बनाते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे इस तरीके से कोट करके। ओके, कोट्स, और जो भी हमने कॉपी किया है ना, वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसको फॉर्मेट कर लिया डॉक्यूमेंट को। तो इसमें क्या होगा बेसिकली,
कि मेरे पास कुछ कोड्स होने वाले, इन्हीं का अपन यूज करके हुई हमारी चीज़ों को ऐड करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस ईपीआई के एंड पॉइंट पर भी यही चीज़ें होने वाली है कि अपन किस तरीके से इन सब का यूज कर सकते हैं। तो अब मैं इसको तो क्लोज कर देता क्योंकि हमारा अभी ये कोई काम का नहीं होने वाला। तो वापस आता हूँ मैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, तो मैं कुछ एक चीज़ बनाने वाला हूँ कि जो भी मेरे पास बीटीएन है ना, बटन जो मैंने बनाया है, उसको डोम इसकी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की हेल्प से बात चीज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी। ओके, और जो मैंने आई डी जो मैंने प्रोवाइड की है वो क्या होने वाली है, बी टी एन। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसी को रिप्लीकेट कर लेता हूँ आउटपुट के लिए। ठीक है, क्योंकि आउटपुट के अंदर अपन पैराग्राफ ऐड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आउटपुट के लिए यहाँ पे इस तरीके से, और इसी तरीके से मेरे को क्या करना होगा, मैंने टाइटल के लिए किया है तो यहाँ पे सिंपल टाइटल। ठीक है, टाइटल, और इसी के अंदर यहाँ पे इसको टाइटल ऐड कर देते हैं। ओके, तो सॉरी यहाँ पे टाइटल। ओके, ये मेरा हो चुका है। अब इसके बाद मेरे को क्या करना होगा, सिंपल एक ऐड इवेंट लिस्टनर लगाना, जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो मेरे पास चेंज हो गया आया डेटा। ओके, तो मैं यहाँ पे सिंपल बी टी एन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे किस तरीके से ऐड करेंगे, तो सबसे पहले मैं क्या ऐड करूँगा कि हमारा कौन सा होने वाला इवेंट क्लिक होने वाला है। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, फंक्शन। ठीक है, फंक्शन इस तरीके से। अब इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ ऐड करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे अपन इस बटन पे क्लिक करें तो क्या होना चाहिए, हमारे पास जो रीड वाला कोड है ना, इन्हीं में से कुछ डेटा आना चाहिए ना, वो अपन चीज़ें करने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैं सिंपल बनाता हूँ एक, सबसे पहले तो एक लेट रैंडम कोड। ठीक है, यहाँ पे रैंडम कोड, और इसके अंदर अपन क्या करेंगे, सिंपल कोड के अंदर से ही चीज़ें आने वाली है, तो इस तरीके से कोड्स, तो ये मैंने कोड्स ही बनाए ना। हाँ, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, सिंपल मैथ डॉट रैंडम फंक्शन का यूज करने वाला है। ठीक है, मैथ डॉट रैंडम इस तरीके से। ओके, और इस कुछ इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, बेसिकली आपका 0 से 1 के बीच में कुछ भी रैंडम नंबर आने वाला है, उसको मल्टीप्लाई करने वाला है जो भी मेरा कोड जो होने वाला है उसकी लेंथ से। ओके, क्योंकि इसी के अंदर मेरे को लेके आना है। ठीक है, तो डॉट लेंथ लेंथ। ओके, और जो ये मेरा मेरा डेटा है पूरा, मैथ डॉट रैंडम डॉट मल्टीप्लाई, ये इसको क्या करूँगा, मैं इसमें फ्लोर में चेंज कर लूँगा क्योंकि हमें 0 से 1 जो भी हमारा एरे का साइज है ना उसी में चाहिए ना, तो मैथ डॉट फ्लोर। ठीक है, इस तरीके से, और जो वो है उसके अंदर इसको रैप कर देंगे। अब मैं यहाँ पेज को सेव किया, और अब मैं यहाँ पे एक रैंडम कोड आपको यहाँ पे कमेंट करके शो करता हूँ कि हमें हमारे पास क्या चीज़ें आया है। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको कंसोल किया, और अब हमारे चलने वाले हमारे कंसोल पे। ठीक है, कंसोल पे चलते हैं। तो कंसोल पे आप यहाँ पे देखिएगा कि जैसे मैं इस न्यू कोड पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास एक टेक्स्ट आ रहा है, नथिंग हैपन अनलेस फर्स्ट वी ड्रीम। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से मेरे पास चीज़ें आ चुकी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अपन इसको सेट करने वाले हैं, तो सेट किस तरीके से करेंगे, तो इसको कमेंट करते हैं। और अब अपन क्या करेंगे, सिंपल जो भी हमारा आउटपुट है आउटपुट के अंदर डालेंगे, उसके इनर एचटीएमएल के अंदर अपन क्या चीज़ ऐड करेंगे, उसके इनर एचटीएमएल के अंदर सिंपल ऐड कर रहे होंगे जो भी मेरा रैंडम कोड आ रहा है वो। ओके, डॉट नेम मेरे को। ओके, तो शायद मैंने नेम सेट किया है ना, हाँ सॉरी, यहाँ पे टेक्स्ट टेक्स्ट इस तरीके से। ओके, और जो भी मैंने क्या बनाया, टाइटल बनाया ना, टाइटल के इनर एचटीएमएल के अंदर यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, उसके इनर एस्टिमेल के अंदर अपन ऐड कर रहे होंगे रैंडम कोट डॉट जो भी मेरा ऑथर होने वाला है। ओके, अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद चलते हैं हमारे यहाँ पे चलने वाले हमारे कंसोल पे। तो अब यहाँ पे चलते हैं न्यू कोड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो थॉमस एडिसन का यहाँ पे जेन्युइन इज 1% इंस्पायरेशन एंड 99%, ओके, जो कि बेरा यू कैन ऑब्जर्व एंड लर्न जस्ट बाई वॉचिंग, थॉमस एडिसन का फिर से जॉन योगी बेरा। ओके, तो ये मेरी चीज़ होगी अपन किस तरीके से एक रैंडम कोड जनरेटर बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ओके, तो आई होप आपको ये वाला वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो को लेके, या कोई भी सजेशन हो इस वीडियो को लेके, आप कमेंट करके आपको जरूर ही आपको बताना होगा, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत अमेजिंग अमेजिंग कॉन्टेंट आपके इस चैनल पर आपको मिलने वाले हैं। तो बस गए, आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।